फैक्ट्री विस्फोट कांड में एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी अमन और आशीष आ चुके हैं। आशीष की खंडवा, अमन की इंदौर से गिरफ्तारी हुई है। पटाखा फैक्ट्री के मैनेजर थे ये दोनों आरोपी। फैक्ट्री मालिक समेत अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मौत का कारोबार चल रहा था और ये बड़ा हादसा हुआ था जिसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब इस मामले में नया अपडेट, 2 की गिरफ्तारी हुई है, 1 की खंडवा से, 1 इंदौर से। घटना हुई है उसमें अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, रफीक खान की उसी दिन गिरफ्तारी हो गई थी और अभी 2 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई है, अमन और आशीष की। आशीष और अमन के ऊपर क्या आरोप है? ये दोनों मैनेजर थे जो उनका काम संभालते। हरदा में बम बारूद मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 16 ड्रम में मिले हैं हजारों सूतली बम। धमाकों से ध्वस्त किया गया फैक्ट्री के मलबे में ये बम मिले हैं। प्रशासन ने पानी डालकर इसे नष्ट कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद लगातार जो है कार्रवाइयां जारी हैं, दबिश दी जा रही है अलग अलग जगह पर और इसी बीच सूतली बम का ये पूरा जखीरा बरामद हुआ और अब पूछताछ भी इस मामले में चल रही है। सोलह ड्रम मिले हैं जिसमें हजारों सूतली बम पाए गए हैं। अब इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दबिश जो है प्रशासन की टीम दे रही है। बड़े हादसे के बाद हरदा हादसा हुआ, कई बेगुनाह लोगों की जान इसमें चली गई, उसके बाद सक्रियता प्रशासन की। अब दबिश देने का काम लगातार जारी है प्रशासन की ओर से। इसी बीच एक बड़ी सफलता जहां पर इतनी सारी मात्रा में बम बरामद हुए हैं। इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। खजराना इलाके का यह पूरा मामला है जहां पर अब भी सर्चिंग जारी है। कई मकानों पर क्राइम ब्रांच की रेड पड़ी है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जहां से पाए गए हैं। खजराना इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, ये बड़ी कार्रवाई की, रेड डाली गई। अवैध गैस सिलेंडर यहां पर अवैध रूप से ये रखे गए थे और अब इस मामले में पूछताछ भी हो रही है। आखिर कहां से इतने सिलेंडर आए, कहां पहुंचाने का काम होता था, तमाम पहलू हैं जिन पर जांच होना जरूरी है और अब पूछताछ भी हो रही है। हरदा भीषण अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश में लगातार कार्रवाई जारी है। खास तौर पर ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर बारूद रखा हुआ है या पटाखे के जो फैक्ट्री है या जहां पर अवैध सिलेंडर को रखा जाता है और लोग मौत के ढेर पर गोरख धंधा करते हैं। ऐसे चिन्हित स्थानों को कर लिया गया और लगातार वहां पर बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल भी रही है। रिहायशी इलाके में है, रिहायशी इलाके में ये गोरख धंधा चल रहा था। अगर एक ब्लास्ट हो जाता आसपास तो शायद 40-50 मकान जो है ये पुलिस की जद में आ जाएंगे। निश्चित किसी भी एरिया में अगर अवैध गैस सिलेंडर या रिफिलिंग होता है और ये तो भारी संख्या में है तो जन सामान्य के लिए बड़ा खतरा है और संबंध में कार्रवाई भी हो रही है। और हमने एक अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर कलेक्टर महोदय के निर्देश पिछले माह जारी भी किया। आम जनता से यही आग्रह है कि उनके इलाके में कोई ऐसी गतिविधि तो प्रशासन और मीडिया के माध्यम से जरूर सूचना दे ताकि कार्रवाई की जा सके। न्यूज 18 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पे रिफिलिंग का काम चल रहा है तो उसकी तत्काल सूचना वहां पर जो आसपास जो भी थाना है वहां पर उसकी जरूर दें क्योंकि ये जो है इसमें कई बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है। फिलहाल ये जो बड़ी कार्रवाई है लगातार खजाना क्षेत्र में अलग अलग जो मकान है वहां पर चल रही है और क्राइम ब्रांच और फूड डिपार्टमेंट की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बोक्सात, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।